बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी में जहां बिछड़े हुए किरदार मिलते हैं, कहानी में जहां बिछड़े हुए किरदार मिलते हैं, मेरी आंखों में धूप और छाँव के आसार मिलते हैं। वहां गुजरा ज़माना एक पल में लौट आता है, वहां गुजरा ज़माना एक पल में लौट आता है, किसी तकरीब में जब ही पुराने यार मिलते हैं। तबस्सुम उनके पीछे जायकों की एक कहानी है, तबस्सुम उनके पीछे जायकों की एक कहानी है, ये मेरी शायरी में जो लबो रुखसार मिलते हैं। उस्तादों का उस्ताद नज़ीर तबस्सुम, मेरा उस्ताद, कई नस्लों का उस्ताद, कई आसरों का उस्ताद, कई अशरों का उस्ताद, मेरा बहुत ही प्यारा, बहुत ही मोहतरम उस्ताद नज़ीर तबस्सुम साहब के साथ हम बैठे हुए हैं। उनके साथ मुलाकात भी है, उनके साथ गपशप भी है, लेकिन इस गपशप से पहले, इस मुलाकात से पहले एक बात मेरे जहन में आ रही है, वो बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। अल्लामा इकबाल को जब पंजाब के गवर्नर ने बुलावा भेजा कि आपका नाम हमने सर के खिताब के लिए मुंतखब किया है और आप चाय की दावत पर तशरीफ ले आए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक जब चाय की दावत पे वहां पहुंचे तो गवर्नर ने उनको ये खुशखबरी सुनाई। पहले तो इकबाल टाल मटोल करते रहे, लेकिन फिर उन्होंने गवर्नर से कहा कि मैं सिर्फ इस शर्त पे सर का खिताब कबूल करूंगा कि आप मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन साहब को शम्सुल उलमा का खिताब दे दें। गवर्नर ने पूछा शम्सुल उलमा का खिताब किसको दे दूं? इकबाल ने कहा मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन को। गवर्नर ने फिर पूछा मौलवी मीर हसन कौन है, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं? इकबाल ने जवाब दिया कि उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन मैं उनकी जिंदा किताब हूं। क्या बात, क्या मैं और मेरे अलावा हजारों शागिर्द खावातीन व हजरात डॉक्टर प्रोफेसर नज़ीर तबस्सुम की जिंदा किताबें हैं, चलती फिरती किताबें हैं। आज हम उनके साथ बैठे हुए हैं बड़ी अकीदत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, और इस वजह से बैठे हुए हैं, वजूहात तो बहुत सी हैं, लेकिन तबस्सुम साहब हमारे दरमियान हैं, हम ये साथ हैं, ये मुबारक साथ हैं महफूज कराना चाहते हैं। कभी हम भी कहेंगे, कभी आने वाले दिन कहेंगे, कभी आने वाली सुबह कहेंगी, कभी आने वाली शामें कहेंगी कि जिसके साथ हमारी सोहबत थी वो कौन लोग थे, किन लोगों ने हमें पढ़ाया था कि अपने लहजे से हम बेहुनर नहीं लगते। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी आपने मेरे तारुक में जो आगाज में अशार सुनाए तो आप खुद जानते हैं कि हर शायर का अपना एक डिक्शन होता है, उसकी अपनी लफ्जियात होती हैं। तो आपने जो शेर सुनाया तो उससे पहला शेर ही जो था उसमें कहानी और किरदार का हवाला बनता था। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कहानी और किरदार के हवाले ही से करूँ तो मैं सिर्फ एक शेर में ये कह सकता हूँ कि ये जो कहानी है इसका किरदार बनाना पड़ता है। ये जो कहानी है इसका किरदार बनाना पड़ता है, और अक्सर औकात ये बरसरेदार बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं बनता, और अक्सर औकात ये बरसरेदार बनाना पड़ता है। तो यही वो किरदार होता है जो
लफ्जों की सूरत में कागज पे आए तो शायर का शेर बन जाता है, अफसाना निगार की कहानी बन जाती है, और जब हमारे अंदर ये जन्म लेता है तो इससे हमारी अपनी शख्सियत की तश्कील होती है कि आया हम जहाँ खड़े हैं वहाँ नहीं, सोचना ये पड़ता है कि हम किन लोगों के दिलों में खड़े हैं और कैसे खड़े हैं और किस कदोकामत के साथ खड़े हैं। जबरदस्त है, बहुत अच्छा सर। अपनी इब्तदाई जिंदगी, बचपन कहाँ से गुजरा, आबा व अजदाद का ताल्लुक कहाँ से था, थोड़ी सी रोशनी सर। बहुत मुख्तसर कहानी है, पुरखों की कहानी। मेरे पुरखों का ताल्लुक, जहाँ तक मैं बहुत पीछे जाकर तलाश करता हूँ तो पिशावरी बनता है। अच्छा सर, पिशावरी बनता सही है। पिशावर बनता है और जबान हिंद को बनती है, ठीक है सर। अपनी पूरी तहजीबी लताफतों के साथ हिंद को बनती है। तो वो जमाना था कि जब पिशावर में 90% से ज्यादा लोग हिंद को बोलने वाले पिशावरी थे, पिशावरी थे। ये जो लोग अभी भी कहते हैं कि फलां जबान जो है वो जवाल पजीर है और वो मर रही है और ये हो रहा है, जबान चेंज होती रहती है, उसमें तब्दीली आती रहती है, वो मरती नहीं है। बिल्कुल सर, उसमें इतनी जान होती है, अगर वो मरने वाली होती तो मेरी ये हिंदकों के बारे में, यानी एक मुहक्किक ने, इलाही बख्श आवान ने कहा था कि ये तकरीबन 3000 से साल से पुरानी जबान, यानी उसके आसार मिलते हैं, उससे पहले की भी ये मुमकिन हो। मेरा सारा खानदान जो है वो हिंदको बोलने वाला है, और मजे की बात यह है कि ज्यादातर हमारे घराने के लोग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो मेहनत कश लोग थे। अच्छा सर, यानी उनमें कोई सरकारी अफसर और सरकारी अफसर हाँ, और ये और वो ये कोई भी नहीं, सरमायेदार इस तरह का कोई भी नहीं, सरकारी सरकारी। तो मैं अपने खानदान का पहला लड़का था जिसने मैट्रिक किया। अच्छा सर, एजाज की बात है सर, पहला लड़का जिसने मैट्रिक किया, तो फिर जाहिर है कि ऐसा भी मैंने ही किया होगा, बीए भी मैंने ही, सब सारी लाइन ही वही चलती है। और मेरे वालिद की मुबलिक तालीम ये थी कि वो सिर्फ अपना नाम लिख सकते, लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की, मुशक्कत की, आपको और उन्हें मुझे पढ़ाया लिखाया, और मुझे किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने। सही सर। सर गुलबहार में आजकल आपकी रिहाइश है, इससे पहले आपके पास हम आते थे मीना बाजार में, वो घर था वो पुरानी राहदारियाँ और इस तरह हवेली नुमा, तो वहाँ पे जो कच्चा सा घर था मोहब्बतों से भरा हुआ, यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़ेर साया मोहब्बतें हैं, क्या महसूस करते हैं? वो दौर और ये दौर, हम रह गए, हमारा ज़माना गुजर गया। गोहर ऐसा है कि इसका इंतहाई मुख्तसर जवाब ये है कि मैं अब भी जी सर जितने ख्वाब भी देखता हूँ, अच्छा नींद में जितने ख्वाब भी देखता हूँ, उनमें से 80% ख्वाबों का ताल्लुक उस एटमॉस्फेयर से, घर भी वही होता है, वो जो गड़वंजियां होती हैं जिन पे घड़े पड़े होते हैं वो भी वही होते हैं, खिड़कियां भी वही होती हैं, गलियां भी वही होती हैं, गलियों में चलने फिरने वाले लोग भी वही होते हैं, तो जाहिर है कि वो चीज जो है मेरे अंदर इतनी रची बसी हुई है, और खाली मेरे अंदर नहीं होती, ये एक नफ्सियाती सिलसिला है, नफ्सियाती सिलसिला है कि आप अपने नॉस्टैल्जिया को अपनी जात के अंदर से नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सर। दुख इस बात का है कि पिशावर अब वो पिशावर नहीं, ये अजनबी हो गया है। मैं अपने शहर में खुद अजनबी महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने शहर में खुद अजनबी हूँ, मैं जाता हूँ तो मुझे सारे चेहरे अजनबी लगते हैं। यानी एक वक्त वो होता था कि जब मैं डिपार्टमेंट से आता था, स्कूटर पे आता था ये वो, तो पूरा मीना बाजार जो है वो मुझे 50 लोगों को मैं सलाम करता था,
150 साहब मुझे मुझे सलाम करते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और अब मैं जाता हूँ तो शायद शायद कोई शनासा चारा दासब क्या हालचाल है, दासब क्या हालचाल है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ मैं खुद नजीर तबस्सुम कहीं ढूंढने आया हुआ जो कि मुझे बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ऐसा है कि मैं जिस शहर में जिंदा हूँ ये मेरा शहर नहीं। अच्छा, जिस शहर में जिंदा हूँ ये मेरा शहर नहीं, उजड़े ख्वाब उठा लाता हूँ बोझल दिल के साथ। वाह वाह वाह। मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं जिस शहर में, मेरे अंदर से आवाज निकलती है कि मैं जिस शहर में जिंदा हूँ ये मेरा शहर नहीं। हालांकि उसमें पुरानी इमारतें भी हैं उसमें कोई, लेकिन ऐसा है कि बात खाली इमारतों से नहीं बनती, इमारतों से भी बनती है लेकिन असल चीज वो चेहरे होते हैं, वो दिल होते हैं, वो रवैये होते हैं, वो कल्चर होता है कि जो अब वहाँ नहीं। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उन आवाजों को तरस जाता हूँ जो मुझसे गुम हो गई है वहाँ पे। यानी मुझे याद है कि इस यहाँ से मैं गुजरता था तो छोले वाला कैसे कौन सी आवाज निकालता था। सुबह सवेरे मैं कॉलेज जब जाने के लिए उठता था तो मेरे नीचे गली से, जिस गली में इस वक्त 500 दुकानें होंगी वहां सिर्फ 5 दुकानें होती थी, तो उस चुंगेर में गुलाब के फूल जो है वो रख के, तो वो एक बंदा होता था जो बेचने के लिए आता था, सुच्चे गुलाब दी खुशबू। अच्छा। सुच्चे गुलाब दी खुशबू। मैं अब उस आवाज को तरस गया। मुझे याद आता है अब भी कि मैं जिस वक्त अर्ली इन द मॉर्निंग, जिस वक्त यानी अंधेरा अंधेरा होता था जी जी जी। तो चूंकि हालांकि हमारे घर और हमारे बाजार में तकरीबन खासा फासला होता था, लेकिन मेरी थोड़ी सी आंख खुलती थी तो मुझे घोड़े के टापों की आवाज आती, घोड़े के टांगे और बल्कि टांगे भी नहीं बल्कि वो रेड़े एक तरह से, तो घोड़ों के टापों की आवाज, और वो होते थे गुजरों के दूध बेचने वालों के जो दुकानों पे दूध सप्लाई किया करते थे। मैं उन उन आवाजों को अब भी तरसता हूं। बहुत खूबसूरत। तो मैं तो इसका मतलब ये है कि हर चीज ने अपनी जगह बदल ली है, लेकिन मैं अपने आप को कैसे बदलूं। वही बात है सर, जबरदस्त बात है। अच्छा सर, ये बताएं स्कूल का जमाना थोड़ा सा, और फिर कॉलेज का जिक्र आपने किया, कहाँ से किस स्कूल से आपने पढ़ा? ये हमारे यहाँ मीना बाजार ही में एक स्कूल हुआ करता था, अरब भी मीना बाजार ही कहते हैं क्योंकि वहाँ इलाके का नाम था मच्छी अटा। हमारे स्कूल का नाम था मच्छी अटा मछली को कहते हैं, अटा हटी दुकान। अच्छा। लेकिन मुझे ये मेरी याद में ये नहीं है कि वहाँ मैंने कोई मछली की दुकान देखी। अच्छा। यानी शायद वो मेरी पैदाइश से भी 50 साल पहले की बात है। तो हमारे स्कूल का नाम था गवर्नमेंट हाई स्कूल मच्छी अटा पिशोर। वहाँ 4 जमातें थी, तो चौथी तक वहाँ मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद मैं 5वीं जमात में आ गया यहाँ जीटी रोड पे, फिर दोस्त सरमा के सामने गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 पिशावर शहर, मैं वहाँ रहा। उसके बाद मैं इंटर और बीए के लिए गवर्नमेंट कॉलेज पिशावर, और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट जहाँ जाकर मैंने मास्टर किया। और सर किस सन की बात है मास्टर जॉब? मास्टर मैंने 73 में वहाँ दाखिला लिया था। अच्छा, 73 में, 75 में तकरीबन आपने फिर वहाँ से? हाँ, 74 के दिसंबर में रिजल्ट आया। आपने कोई क्लास फेलोज आपको याद है जिन्होंने आपके बाद इधर उधर कॉलेज में पढ़ाया? वही बात दोबारा भी आ जाती है। अच्छा सर, कि मुझसे अगर तुम ये पूछो कि जब आपने 10 साल पहले यूनिवर्सिटी छोड़ी तो आपके आपकी क्लास में कौन कौन लोग थे, तो मैं 4 लोगों को भी याद में मुझे याद नहीं। लेकिन जो मेरे साथ पढ़ते थे उनको तो छोड़ो, मेरे साथ जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, जो हाई स्कूल में पढ़ते थे, मुझे तो वो भी याद है। वाह जी वाह, वाह वाह वाह, वो याद है, नए याद नहीं है। नए याद नहीं है सर, बिल्कुल सर। और मुझे फख्र होता है, मुझे इस बात पर फख्र होता है कि मसलन ये गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1
मुझे वक्त मोहलत नहीं दे रहा, मैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है कि इस पे बाकायदा एक किताब आप रखें कि इसकी इसकी कितनी वो अहमियत है यहाँ पेशावर और पेशावर के और पाकिस्तान के हवाले से, कौन कौन से लोग यहाँ से निकले हैं। देखें जनरल अब्दुल हमीद काकड़ हमारा क्लास फेलो, अच्छा जबरदस्त जिसने बिल्कुल ये हमारा एटम बम बनाने में जिसने सबसे अपना कास्टिंग वोट दिया था, जबरदस्त। इसी तरह जनरल सबाहत रिटायर दो चार साल पहले हुआ है, वो हमारे साथ कर रहा था, वो ही मलेशिया की बिल्कुल कपड़े पे उस स्लेट और किताबें पीछे डाल के वो, और आधी छुट्टी जब होती थी तो वो सारी चीजें एक तरफ रख के तो फिर हम वो करते थे अपना फुटबॉल खेलते थे गेंद के साथ, तो पिटोगरम खेलते थे और कौन कौन सी खेलें खेलते थे, तो वो सारे लोग और क्लास फेलो, जहाँ तक क्लास फेलो की बात है तो उनमें मोहम्मद अली नकवी जो है वो कॉलेज में पढ़ाता रहा, और अरशद था वो फिर पिंडी चला गया था, उसने अपना कॉलेज भी खोला था, पहले पढ़ाता भी रहा वो था। अच्छा हमारी हमारे क्लास फेलो में एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट भी था, अच्छा। इस तरह हमारा एक दोस्त था सदर में, एक बड़ी मशहूर दुकान है फोटोग्राफी की, अंकल टोनी, बिल्कुल तो अंकल टोनी भी हमारा क्लास फेलो था, वो भी एक अजीब करेक्टर था, मतलब है कि सर आपके मल्टी कल्चरल क्लास फेलो थे और रहे हैं। कयूम था, सरदराज खान दरवेश, ये भी उर्दू का प्रोफेसर रहा है, अब तो रिटायर है, तो वो सारे इसी तरह फीमेल का भी पता है कि कौन कहाँ पढ़ाती रही, ये वो वगैरह वगैरह, तो वो सारे हवाले जो है वो याद है। सभी के दिल में खलिश थी तेरे रवैये की, सभी के दिल में खलिश थी तेरे रवैये की, सभी का लहजा था बस जहर घोलने वाला, नज़ीर शहरे शनासा में बर सरे में बर, कोई नहीं था तेरे हक में बोलने वाला। सर थोड़ा सा आपकी जो अदबी ज़िंदगी है उसकी तरफ आते हैं, आपकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ थोड़ा सा उसकी तरफ आए, कहाँ से कौन इस रास्ते में? ऐसा था कि मैंने मेरी तालीमी ये जो सब्जेक्टिविटी है उसमें मैट्रिक के बाद मैंने साइंस में किया, मैंने फिर एसएससी भी मेडिकल में किया, साइंस में किया। एक जुमला कहा करता है अनवर मसऊद जी, कहता है कि मैंने एसएससी किया उसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, फिर उसके बाद वो कहते हैं बस यूं समझिए कि जिसे अल्लाह रखे। तो मेरे हवाले से भी बस यूं समझिए जिसे अल्लाह रखे, गुजारा हुआ हाँ, अच्छे नंबर नहीं थे। तो उसके बाद मैंने कहा कि अब क्या किया जाएगी, तो जब मैंने बीए में सब्जेक्ट लिए तो उसमें दोस्त आमतौर पर यही कहते हैं यार आसान है इस्लामियात ले लो, और दूसरे मुझे दिलचस्पी उस वक्त से थी जिस वक्त मैं मैट्रिक में था। यदि मैट्रिक में हमारे मोहल्ले में एक आना लाइब्रेरी होती थी जहाँ आना आया उसका किराया होता था, तो वहाँ से मैंने उस ज़माने में मैट्रिक में मैंने ज़्यादातर ये ख़वातीन उस ज़माने में जिनके नावल ए आर खातून और रज़िया भट्ट और बना खातून सलमा कमल और ये सारे पढ़े, फिर उसके बाद इबन सफ़ी के जासूसी नावलों का डाइजेस्ट पढ़ता रहा, और लेकिन मैट्रिक में जिस दसवीं में था तो मैंने अदबी जराइद जिनमें सीप हुआ करता था, सीप हुआ करता था, नकूश हुआ करता था, सारी उनकी मुझे समझ नहीं आती थी लेकिन मैं पढ़ा हुआ भी। तो जिस वक्त मैंने बीए का इंतखाब किया उर्दू का, तो जब मैंने वो किताब देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए उसमें कोई नई चीज है ही नहीं, तो मैंने कहा कि यार मैं इसमें मजीद क्या पढ़ूंगा क्या पढ़ूंगा। तो फिर इसी तरह इस्लामियात की बुनियादी वजह ये थी कि मुझसे ये याद करना, आयतें याद करना, ये करना वो करना, ये जरा मुश्किल। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं
ला मुझे दिलचस्पी नहीं थी या अंग्रेजी में दाखला नहीं मिलता था, तो फिर मैंने मेरी कम्बिनेशन देखी है कि एक मैंने सोशियोलॉजी लिया, अच्छा, और एक स्टेटिस्टिक्स लिया, अच्छा, बीए भी, अच्छा, और उर्दू मेरे पास ऑप्शनल था क्योंकि ऑप्शनल लेना पड़ा, अच्छा। तो अब मैंने जब इम्तिहान पास कर लिया तो मैं चूंकि वालदैन का इकलौता बेटा था, अच्छा, तो मेरी माँ ने कहा कि देखो बस जितने तुमने पढ़ना था पढ़ लिया, अब ऐसा है कि चुप करके शादी कर लो इंसानों की तरह। बड़ी मिन्नत समझ के यहाँ से किसी एक से सिफारिश करी, जिरगे वर्गे बुलाए, जिरगे वर्गे बुलाए बाप। तो बाप ने कहा कि पढ़ देते पढ़े ना, छोड़ पढ़े ना, तुम के पढ़ू कैसे, क्यों कि माँ ने फिर एक शर्त लगाई, उसने कहा कि अगर इसे पढ़ना है तो यहाँ पेशावर, अच्छा, और पेशावर में मैं कैसे पढ़ता, जी सर, पेशावर वो सब्जेक्ट जो मैंने बीए में पढ़े हुए थे पेशावर में उनका मास्टर था ही नहीं, सोशियोलॉजी जो है वो डिपार्टमेंट नहीं था, सोशियोलॉजी पंजाब में था, यस सर, स्टैटिस्टिक्स डेरस में खान में था, अच्छा, तो वो साइकोलॉजी हमारे उसमें तक नहीं था, बिल्कुल, यस सर। तो मेरे पास ले दे के फिर ऐसा हुआ कि एक दोस्त था वो ऐसी मैं जा रहा था सरहानी आलम शाह उसका नाम था खुदा बख्शे चतरवान, मैंने कहा यार चतर कल मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ आप जाते रहे, कहे कि फॉर्म जमा करा दिया, मैंने कहा किस लिए करा दूँ, कहते इस्लाम यार, अच्छा, तो कहता वो जाते हैं फिर उसके पास ले गया मुझे, और ये वही ओरिएंटल बना के उस वक्त वहाँ चार डिपार्टमेंट, अच्छा, उर्दू था, फारसी था, इस्लामियात था, अच्छा, और अरेबी, अरेबी, फलसफाबाद में आया, फलसफाबाद, अच्छा, उसने वहाँ दाखिल जमा करा दिए, तो मैं जब वापस आया तो मैंने देखा तो ये मुख्तलिफ क्लास रूम्स के बाहर कुछ नाम लिखे हुए थे, अच्छा, जिनमें से दो नाम मेरे लिए आशना, अच्छा, एक था डॉक्टर शमसुद्दीन सदीकी और एक था हाकम अहमद, अच्छा, ठीक। तो मैंने कहा यार जब माँ ने भी पाबंदी लगा दी है और कहीं दाखिला भी गुंजाइश नहीं है तो बस यहाँ ही ले लेती है, तो वहाँ फिर मैंने दाखिला लिया, और न सिर्फ दाखिला दे लिया बल्कि खुल खेल के दाखिला लिया, बिल्कुल सर, नहीं मैंने अपना एजुकेशनल जो मेरा प्रोसेस है वो मैंने बड़ा बड़ी हद तक इंजॉय किया, जबरदस्त है, शरारतें अपनी जगह, यस सर, फुटबॉल का खिलाड़ी मैं अपने स्कूल के जमाने में था, यानी टीम में था, यस सर, कॉलेज में भी था, तो यूनिवर्सिटी में फुटबॉल मैंने नहीं खेला, फिल्में भी देखी, फिल्में तो बेशुमार देखी, बल्कि डिपार्टमेंट से भाग के वो ऐसा होता था कि आजकल वो जो है ना अपना आखान ऑडिटोरियम, ये उस जमाने में सिनेमा होता था, सिनेमा होता था, बाद में के जमाने में मेरे ख्याल में बंद हुआ ना, पता नहीं कब हुआ, तो उसमें फिर ऐसा होता था कि 11 बजे का एक शो लगता था, अच्छा, क्लास तो हमारी 1 बजे खत्म होती थी, तो 11 बजे और उसके बाद वाली क्लासेस जो है वो बंद करके तो हम जो है वो खिसक जाते थे, खिसक जाते थे, और किन किन लोगों के साथ खिसक जाते थे, ये एक और कहानी सर, एक और कहानी को वहां से जोड़ते हैं, कहते हैं कि जब आपका जमाना था या उससे पहले का जमाना था, क्लास के अंदर एक पर्दा हुआ करता था कि खुवातीन एक तरफ बैठी हुई होती थी और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जी जी हमसे जो सबसे अच्छा काम किया और जो शायद हमारी बख्शिश का सबब था इंशाल्लाह वो ये था कि मैंने और मेरे क्लास फेलोज ने जी जी मिलकर उस पर्दे पे आपसे पहले हमने सुना था कि बहुत से लोगों ने उनमें सुराखें करने की कोशिश की थी देखा सुराख तो मुश्किल होता है, फिर हमारे साथ हमें कुदरत की तरफ से ये सपोर्ट मिलेगी, हमारे साथ
मसलन अरशद जो था या नकवी भी था और अब्बास बरोज भी था, ये सिगरेटें पीते थे। अच्छा, तो सिगरेट पीने के बाद ये साथ लगा देते उसे पर्दे को, तो पर्दे ने सुराख पड़ा। तो एक दिन शम्सुद्दीन सिद्दीकी आया और आकर उसने बड़े गौर से ऊपर से बड़ा नाइस देखा उसे, तो हमें कहते हैं कि आप लोगों का क्या बन सकता है। अच्छा, कहते मैं आपका क्या बन सकता। यस, कहते कि आप तो बास नहीं आते। तो फिर उसने कहा कैसे, मैंने कहा जी तो उसका आसान तरीका है, आप ऐसे करें कि आपको ये एतराज है कि खवातीन एतराज करती हैं, तो आप वो करें वोटिंग करा लें, जो फैसला हो उसके मुताबिक मेजॉरिटी के मुताबिक मेजॉरिटी उसने कहा लो जी फला हफ्ते वाले दिन जो है वो नहीं। अच्छा, तुम यकीन करो कि अमेरिका के सदर ने अपनी वो जो है वो ऐसी नई चढ़ाई होगी, इलेक्शन इलेक्शन चढ़ाई होगी जो हमने उन खवातीन पे चलाई और उनको कायल करने की कोई नहीं। लेकिन उसके बावजूद तकरीबन कुछ चार पांच लड़कियां ऐसी थी कि जो अड़ी हुई थी, डटी रही, नहीं सवाल नहीं पैदा होता, ये पर्दा रहेगा नहीं। फिर हमने कहा क्या करेंगे, फिर हमने स्पेशल मीटिंग बुलाई और उसने फिर हमने एक शोषा छोड़ा। हमने शोषा छोड़ा कि ये जो अक्सरियत लड़कियों की या ज्यादातर जो खूबसूरत लड़कियां हैं वो तो चाहती हैं कि पर्दा हट जाए, पर्दा गिरे जी आओ, लेकिन ये जिनके चेहरे कमजोर से है, ये जो मरियल से ये नहीं चाहती कि अब जब दोबारा वो कागज गया तो कौन चाहता है कि वो अपने सामने ये इल्जाम दे कि मैं खूबसूरत नहीं। यस सर, तो वो फिर सब वो जीत लिया, उसके बाद जी वो पर्दा हट गया। यस सर, वो पर्दा लेकिन मैं समझता हूँ कि पर्दा हटना अगर अंदर से इंसान गंदा ना हो तो पर्दे के होने या ना होने से पर यानी मेरे ख्याल इतनी मुझे ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए कि तजुर्बा ये भी बताता है कि बहुत सारे ऐसी खवातीन जो बड़ी बड़ी भयानक कहानी होती है। अच्छा सर, गजल और शायरी की तरफ अदबी जिंदगी का, तो आपने कहा कि आप सारी चीजें, तो मैंने ऐसे में जब मैं होता था जी जी, तो ऐसे में मेरे नंबर माशाल्लाह खराब आने की एक बुनियादी वजह ये भी थी कि टीचर जो है वो जब लेक्चर दिया करता था मैं सारे सबसे पीछे बैठ के जो है वो शेर बनाया करता। अच्छा बनाया, तो वहाँ से फिर ये। और एक और अहम बात यह है कि सबसे पहले वो सिर्फ अदब जो शाया हुआ वो अफसाना। अच्छा, यानी आपने बतौर अफसाना जो चीज पहले छपी वो आपका अफसाना था, शायरी पहले नहीं छपी। हाँ, पहले नहीं छपी ये, उसमें कॉलेज का जो गंधारा मैगजीन, कॉलेज मैगजीन जो था, कॉलेज मैगजीन गवर्नमेंट कॉलेज पे शाओ का गंधारा, अभी उसमें मेरा सना छपा था। लेकिन बाद में मैंने जब कुछ वजने लिखी तो मैंने खुद ये अंदाजा लगाया, मैंने कहा कि यार ये दो कश्तियों में पाव रखने से बात करें तो एक तरफ एक। तो इसलाह किस से लिया आपने, किस से ली? अच्छा, इसलाह मैंने किताब से ली है। अच्छा, इसलाह मैंने मुआशरे से ली है। अच्छा, और इसलाह मैंने दोस्तों से। अच्छा, इसलाह मैंने मुख्तलिफ हल्कों से। अच्छा, अरबाब जोक हो गया, हल्का फिक्र नजर हो गया। अच्छा सर, थोड़ा सा फारे बुखारी और रजा हमदानी और खातिर साहब से हमारी मुलाकातें रही हैं, बारह आपके भी उस्ताद रहे हैं, उनकी थोड़ी सी यादें। वे सूरत इलाही किस देश बसती है, वाह, अब दिन के देखने को आंखें तरसती, बड़े लोग बड़े दिल के मालिक थे, फरिश्ते नहीं लेकिन बड़े इंसान, पंगा लेते थे तो अपने बराबर के बंदे के साथ, कदो कामत में हो तो दुश्मनी अच्छी नहीं रही।
میں تبسم، یہ میرا ایمان ہے جب تک حریفوں کا قد و قامت ہو تو دشمنی اچھی نہیں. تو یہ انہوں نے، لیکن چھوٹوں پہ ان کی شفقت ہونی چاہیے. یہ آج کل جو آپ دیکھتے ہیں نا، کہ یعنی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بندے کی مشاعرے میں جنہیں ایک طرح سے شلوار اتارنے کی کوشش، اگر اس کی غلطی غلطی تو انسان کو ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو لوگ تھے مثلاً فارغ تھے، مثلاً رضا ہمدانی تھے، ایون شوکت واسطی تھے، تو وہ جب آپ مشاعرہ پڑھتے تو پھر چائے کی ٹیبل پہ چائے وائے پیتے، تو پھر وہ آپ چائے پی رہے ہوتے تو آ کر آپ بس پکڑ کے سر باقاعدگی سے، اور خاطر صاحب جی منہ پھٹتے ہیں، یس شیر دوبارہ پڑھو، یہ جس کا دھیان نہیں ہوتا تھا اس کا بھی دھیان اس طرف کروا دیتے تھے. تو ہر مزاج کا بندہ تھا، لیکن بحیثیت مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ان کی جوتیوں میں بہتر. بالکل سر، آپ نے ملگیر مشاعرے پڑھے، آپ سیما پار بھی گئے اور مختلف ممالک میں بھی آپ نے مشاعرے پڑھے، سب سے زیادہ مشاعرہ پڑھنے کا مزہ آپ کو کہاں آیا؟ انڈیا میں میں نے جو مشاعرے پڑھے، خاص طور پہ دلی اور لکھنؤ میں، تو وہاں میں نے مشاعرے پڑھنے کو اس لیے انجوائے کیا کہ وہاں مشاعروں میں سننے والوں کی تعداد ہزاروں میں، تعداد ہزاروں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اردو کا مرکز ہے، یہ سر چاہے دلی ہے چاہے لکھنؤ ہے، نزاکت سمجھتے ہیں، بالکل لفظ کی نزاکت سمجھتے ہیں، لفظ کی لطافت سمجھتے ہیں. دوسری بنیادی وجہ یہ کہ وہ ان لوگوں میں تھوڑا سا، آپ یوں سمجھیے کہ تھوڑا سا احساس برتری ہے اس بات کا، کہ اردو تو ہماری زبان ہے، یہ ہمارے باپ دادا کی زبان ہے، یہ کیا کہاں سے یہ کہاں سے منہ کھا کے آ گئی. لیکن جب وہ شیر کلک کرتا تھا تو پتا چل جاتا تھا کشوری بھی ہے، اور ہمارے ساتھ ہماری جان پہ دوہرا عذاب ہے محسن، بالکل کہ دیکھنا ہی نہیں ہم کو سوچنا بھی ہے. ہمیں تو وہ گھاس اس لیے نہیں ڈالتے تھے کہ یہ تو پٹھان ہے، پٹھان کا تو شین کافی درست نہیں ہے، بلکہ جس وقت مشاعرہ ہم نے پڑھا لکھنؤ میں جو اس کا کمپیئر تھا، اس نے اپنی گفتگو میں کہا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ نذیر صاحب پاکستان کے ایک ایسے خطے سے تشریف لائے ہیں کہ جہاں اردو بولی ہی نہیں، پٹھان پشتو بولی ہے، لیکن آپ نے ان کا لہجہ بھی دیکھا، لہجے کا تیکھا پن بھی دیکھا آپ نے، تو وہاں کوئی منسٹر تھے صدارت کر رہے تھے، تو اس نے اس کو روک دیا، اس نے کہا سیکرٹری صاحب آپ شاید یہ بھول رہے ہیں کہ پورے 100 سال تک اردو شاعری پر جس شاعر نے حکومت کی ہے اس کا نام احمد فراز ہے، اور احمد فراز کا تعلق بھی جو ہے وہ سرحد سے، تو آپ ان سے آپ یہ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. ہاں تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات، بہت بڑی بات.
तो वहाँ मज़ा आया। अच्छा फिर मैंने एक मुशायरा पढ़ा था मिंगोरा में। अच्छा वो वजूदिया हाल में। हाँ यस सर। यार आज तक मेरे जहन में रहे। आप इमेजिन करें कि तकरीबन 16 गजलें। अच्छा। मैं गजल पढ़ के उठता था और पूरा हाल खड़ा हो जाता था। अच्छा। तालियां बजाता था और वंस मोर। इतना पुरजोश और इतने समझने वाले शेर। तो उन्होंने कहा कि अभी भी लोग कहते हैं कि वजूदिया के हाल की तारीख में या स्वाद की तारीख उसमें तारीख में, या एक दफ़ा शौकत वास्ती ने मुशायरा कराया था कॉलेज में, और या फिर ये दूसरा मुशायरा आप में। अच्छा फिर ऐसा हुआ कि मैं यानी वो जो इंतज़ामिया थी वो इतनी पाजाब हो गई, इतनी तंग आ गई कि उसने लाइटें ऑफ कर दी। अच्छा सर। हाल की। अच्छा सर। कि इस वाह वाह। वो फिर उसके बाद वो आ गए थे ना बच्चे उसके लिए। यस सर। ऑटोग्राफ के लिए। ऑटोग्राफ के लिए। यस सर। तो ऑटोग्राफ हजूम था। और मेरी याद था कि मैं ऑटोग्राफ जो मेरे पास लेने आता है तो मैं उसके साथ कभी भी सख्त लहजे में कहा, मैं कहता हूँ कि ये मेरी मोहब्बत में है। तो वो फिर यदि तकरीबन 1.5 घंटे तक तो ऑटोग्राफ चल रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी खाना उधर ठंडा हो रहा है, ये हो रहा है, तो लाइटें आपका। तो फिर उन्होंने बाहर मुझे बरामदे में पकड़ लिया कि आप खाली ये टिक लगा दे, टिक लगा दे। वहाँ एक छोटी सी बात होता है, छोटी सी बात होती है लेकिन सारी जिंदगी याद रहती है। एक मासूम सा बच्चा था, फर्स्ट ईयर का होगा, गोकलू गोकलू साहब। तो बड़ी देर से वो धक्के दे दिए गए, सब वो कहीं नहीं मिलते मेरी नजर से पड़ी। तो मैंने कहा कि इसको छोड़ू जरा। मैंने कहा जी बेटे, तो कहते हैं कि सर मैं आपसे एक बात कहना, कहते हैं कि मुझे आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो मुझे काफी डेप खाली अपना नाम। मैंने देखा सुन, तो कहते हैं कि नीचे एक जुमला मेरे हाथ में। मैंने क्या कहते, वो क्या कहते हैं कि इसके ऊपर आप लिखे कि अपने बेटे जवाद, अब उबैद के पतन जवाद के लिए तोहफा, ये आप लिख के मेरा नाम लिख के तुम्हें हमेशा इसकी मोहब्बत है। तो फिर जब मैंने वो भी लिख दिया। अच्छा। तो फिर उसने वो जो उसका अपना रूटीन का ये जो बाल पॉइंट नहीं होता, कहता कि मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है कि मैं आपकी नजर कर सकूं, तो कहते कि मैं ये पेन जो है ये मैं आपकी नजर। यस सर। या फिर मैंने बड़ी जगहों पे इस्लामाबाद में बेशुमार, कराची में, कराची आर्ट कोर्सों के बेशुमार मुशायरे बड़े बड़े जानदार, लेकिन मुझे जितने कुछ 7-8 मुशायरों का जो बहुत ज्यादा मजा आया जी सर, वो आया अपने पेशावर यूनिवर्सिटी के हाल में, कन्वोकेशन हाल में। क्यों? कि वहां उनके साथ एक ज़हनी एसोसिएशन भी होती है। उन्हें पता था कि ये नज़ीर तबस्सुम और पेशावर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, चेहरे से भी आशनाई होती। फिर उसमें ये था कि फिर वो फिर अपनी मोहब्बत का जो इजहार है वो भी खालिस पख्तूनों के लहजे में और अंदाज में करते थे। यानी जिस जो शेर उनको बहुत अच्छा लगता था तो वो चादर उतारी हो, ऐसे किसी ने टोपी उतारी हो, हैंकी हो, और इस तरह की वो चीखें, सीटियां। उसमें उसकी दो वजूहत होती थी कि एक तो शेर जो है वो मैं इंतखाब ऐसा करता था
کہ جو بڑا چولے چولے ان کی ذہنیت کے مطابق وہ دوسرے وہ خواتین بھی ہوتی تھی بے شمار, تو وہ تو پھر ماحول بنتا تھا نا, آپ ایسے باہر ہو جاتے تھے. ایک دفعہ بڑا مزے کا واقعہ ہوا کہ جمرود نے, میں نے ایک مشاعرہ پڑھا تو ظاہر ہے کہ وہ کالج کے لڑکے بھی تھے, باہر کے بھی تھے, تو انہوں نے تو بڑا انہوں نے داد دی, یہ کیا وہ کیا, بڑا اچھل کود رہے تھے. تو پھر میں نے وہ اس کا مقتہ پڑھا کہ دوستی اور دشمنی میں سوچنا کیسا نذیر ہار ہونا چاہیے یا پار ہونا چاہیے. تو بس وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کے دماغ میں یہ شعر لگ گیا. اچھا, وہ اس نے جو پہلے تو خوب چیخو پکار کی اور واہ واہ اور یہ وہ اور جسمت کیتھارسس کیا, اور اس کیتھارسس جب پورا نہیں ہوا تو اس نے ایسے کیا اور پستول نکالا اور کہتا ہے ڈر. واہ جی واہ, زبردست واقعہ, یہ سب سے بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ بھائی اتنی خوشی اسے ہوئی جیسے عید کا چاند دیکھے اور بالکل وہ جو ہے وہ کرے. تو یہ اس طرح بے شمار, اسی لیے مجھے یعنی پشاور کے ادبی حلقوں میں لٹیرا شاعر شاعر لٹیرا شاعر عباس تابش کا بہت بڑا نام ہے, بہت بالکل. لیکن یہ اگر اس مشاعرے میں تھا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے عباس تابش سے 5 گنا زیادہ تھا. اور اس نے یہ کہا تھا, کہتا ہے کہ نذیر تبسم کو رابطہ نوازہ ہے, کہتا ہے کہ میرے اندر سے ایک آواز نکلی ہے, خواہش نکلی ہے کہ کاش میں بھی اس یونیورسٹی کا پروفیسر. میں جن میں اپنے ہونے کا یقین محسوس کرتا ہوں, میں جن میں اپنے ہونے کا یقین محسوس کرتا ہوں, جو تکمیل حیات جاویدہ کی ایک ضرورت ہے. کبھی دیکھا ہے تو نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو, یہ امکانات کی حد سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ان آنکھوں کی تھوڑی سی کہانی. بہت سے لوگوں نے پوچھا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہے نہیں, لیکن ایسا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں اپنی ذات تک اپنے آپ تک چھپا کے رکھنا پڑتا. اچھا, تو وہ تھیں وہ آنکھیں. اور جس طرح میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی سر, کہ میں نے بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر حسن کو ایک مکمل صورت میں دیکھا. واہ زبردست, یہ اجزاء کی صورت میں نظر آتا ہے. یس سر, کسی کی آنکھیں, کسی کے ہونٹ, یس سر, کسی کی رنگت, کسی کا قد و قامت, کسی کے بال, کسی کی چال, کسی کے بال, کسی کی چال, کسی کی آواز, کسی کا برتاؤ, یس سر, کسی کا سلیقہ, کسی کا طریقہ. ہاں یس سر, میری ایک نظم بھی ہے جانا تمہارے بعد شاید اسی قبیل کی. جی جی, تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ اور اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات بے انتہا خوبصورت آنکھیں اس لیے لوگوں کو اپیل نہیں کرتی کہ اس شخص کا ناک موٹا ہوتا ہے. جی سر, ہونٹ کالے ہوتے ہیں. بالکل سر, تو یہ وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ حسن جو ہے وہ اکائی میں, وہ تناسب اور توازن میں. یس سر, حسن جو ہے وہ تناسب اور توازن میں اچھا لگتا ہے. یعنی ایک عام آدمی ہوتا ہے, نہ اس کی آنکھیں زیادہ خوبصورت ہیں, نہ ہونٹ خوبصورت ہیں, نہ قد و قامت, لیکن ظالم دیکھتے ہی دل میں بھول جاتا ہے. یس سر, یس سر, یہ بات بالکل سر. اچھا سر, آپ کی جو کتابیں ہیں ان کی طرف آتے ہیں, ہم نے آپ کی کتابیں پڑھی, اچھی لگی, لوگوں کو آپ کے شعر سنائے, کتابوں کی جو کہانی ہے ابھی تک 3 کتابیں اور 1 PhD کا تھیسس. ٹھیک, پہلی کتاب تم اداس مت ہونا, دوسری کتاب ابھی موسم نہیں بدلا, تیسری کتاب کیسے رائے گاہ ہوئے ہم, اور 1 صوبہ سرحد میں جو غزل کی تاریخ ہے ان پہ ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب نے PhD کی سندی ڈگری لی ہے, تو وہ تو 4 کتابیں ہیں. اگلی کتاب آنے والی کون سی ہے سر؟ اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے بوجھل دل کے ساتھ. بوجھل دل کے ساتھ, اچھا سر, کیا خیال ہے اس میں سے؟ بالکل سر, بالکل سر. اور سر ایک وہ آپ نے ہمیں وہ نظم سنانی ہے, اگر میں چاہتا ہوں کہ تم میرے حصار ذات سے باہر نہ نکلو, وہ تو زبانی سنا. اچھا, وہ یاد ہے سر, بہت اچھی بات ہے. پہلی کتاب میں ہے
इसे तुम मेरी छलनी की प्यास, छलनी की प्यास, इसे तुम मेरी खुद गर्जी समझ लो, इसे तुम मेरी खुद गर्जी समझ लो, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हिसारे जात से बाहर न निकलो, कि तुम मेरे हिसारे जात से बाहर न निकलो, मुझे तस्लीम है जाना, हवाओं को गिरफ्ते शोक में रखा नहीं जाता, वाह, मुझे तस्लीम है जाना, हवाओं को गिरफ्ते शोक में रखा नहीं जाता, भला कब चाहने से चांदनी तस्वीर होती है, वाह, किसी ने फूल की खुशबू को भी जंजीर पहनाई, वाह, ये एक अमरे हकीकत है, मगर फिर भी, मगर फिर भी इसे तुम मेरी खुदगर्जी समझ लो, अगर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हिसारे जात से बाहर न निकलो। जबरदस्त, चलनी की प्यास आप लोगों की समाअतों की नजर। और अब डॉक्टर नजीर तबस्सुम साहब की जो नई आने वाली किताब है, उनमें से चंद शेर उनकी बयास से, उनके खुद को और भी उलझाता हूँ, खुद को और भी उलझाता हूँ बोझल दिल के साथ, खुद को और भी उलझाता हूँ बोझल दिल के साथ, बोझल दिल के साथ जब कुछ सोच के घर आता हूँ, बोझल दिल के साथ, बोझल दिल के साथ, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, जब कुछ सोच के आ जाता हूँ घर आता हूँ, बोझल दिल के साथ, बोझल दिल के साथ, वाह, घर जाऊं तो सब होते हैं बस एक माँ नहीं, वाह जी वाह वाह वाह, घर जाऊं तो सब होते हैं बस एक माँ नहीं होती, बस एक माँ नहीं होती, फिर मैं गांव से लौट आता हूँ, वाह जी वाह, बोझल दिल के साथ, जज़ाक अल्लाह जी, फिर मैं गांव से लौट आता हूँ बोझल दिल के साथ, और मैं जिस शहर में जिंदा हूँ ये मेरा शहर नहीं, वाह वाह जी वाह, मैं जिस शहर में जिंदा हूँ ये मेरा शहर नहीं, लाख में खुद को समझाता हूँ, हाय हाय हाय, बोझल दिल के, बोझल दिल के साथ, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, बहुत जी, लाख में खुद को समझाता हूँ बोझल दिल के साथ, आम समय जब घर में खाने को कुछ भी नहीं, अच्छा, शाम समय जब घर में खाने को कुछ भी नहीं होता, शाम समय जब घर में खाने को कुछ भी नहीं होता, मैं बच्चों को बहलाता हूँ, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे जी, वाह, शाम समय जब घर में खाने को कुछ भी नहीं, वाह वाह, मैं बच्चों को बहलाता हूँ बोझल दिल के साथ, बोझल दिल के साथ, बहुत अच्छे सर, और भाभी और भाई की कड़वी बातें सुनकर मैं, अच्छा, भाभी और भाई की कड़वी बातें सुनकर मैं दस्तरखान से उठ जाता, आहा, बोझल दिल के साथ, भाभी और भाई की कड़वी बातें सुनकर, इस दौर का बहुत बड़ा आलमी है, जबरदस्त, भाभी और भाई की कड़वी बातें सुनकर दस्तरखान से उठ जाता हूँ बोझल दिल के साथ, बोझल दिल के साथ, अच्छा है सर, बहुत अच्छा है सर, और अपने शहर पिशावर की गलियों से कूचों से, अच्छा, अपने शहर पिशावर की गलियों से कूचों से, कूचों से उजड़े ख्वाब उठा ला, आ हा हा, आ हा हा, वाह, उजड़े ख्वाब उठा लाता हूँ बोझल दिल के साथ, उजड़े ख्वाब उठा लाता हूँ बोझल दिल के साथ, वाह जी वाह वाह, और अंदर और बाहर की तन्हाई के मौसम में, वाह, अंदर और बाहर की तन्हाई के मौसम में खुद को ओढ़ के सो जाता, वाह जी वाह, जबरदस्त है सर, अंदर और बाहर की तन्हाई के मौसम में खुद को ओढ़ के सो जाता हूँ बोझल दिल के साथ, वाह जी क्या चाहिए, यारों की महफिल में भी अब मेरा दिल नहीं, यारों की महफिल, यारों की महफिल में भी अब मेरा दिल नहीं लगता,
वहां से भी मैं उठ जाता हूँ। अच्छा वाह 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 वाह, वहां से भी मैं उठाता हूँ बोझल दिल के साथ। बहुत खूब सर, बहुत खूब। और यार तबस्सुम गुजरे दिनों को अक्सर सोच के, यार तबस्सुम गुजरे दिनों को अक्सर सोच के मैं रेजा रेजा हो जाता बोझल दिल के साथ, बोझल दिल के साथ। रेजा रेजा हो जाता हूँ बोझल दिल के साथ। और ये दो गजला है, दूसरी गजल भी इसी अच्छा उसमें है कि उससे मिलकर जब आता हूँ, उससे मिलकर जब आता हूँ बोझल दिल के साथ। अच्छा, उससे मिलकर जब आता हूँ बोझल दिल के साथ, सो सो वहम उठा लाता हूँ बोझल दिल के साथ। सो सो वहम उठा लाता हूँ बोझल दिल के साथ, बोझल दिल के साथ। और जब भी उसको देखता हूँ मैं गैरों के हमरा, वाह, जब भी उसको देखता हूँ मैं गैरों के हमरा, खुद रस्ते से हट जाता हूँ। जब भी उसको देखता हूँ मैं गैरों के हमरा, खुद रस्ते से हट जाता हूँ बोझल दिल के साथ, बोझल दिल के साथ। वो बातें जो सिर्फ हमारी बातें होती थी, वो बातें जो सिर्फ हमारी बातें होती थी उन बातों को दोहराता हूँ बोझल दिल के साथ। वो बातें जो सिर्फ हमारी बातें उन बातों को दोहराता हूँ बोझल दिल के साथ। सोचता हूँ जब मुझको मनाने वाला कोई, सोचता हूँ जब मुझको मनाने वाला कोई नहीं खुद से रूठ के सो जाता। ये बहुत प्यारा है सर, ये बिल्कुल। सोचता हूँ जब मुझको मनाने अच्छा वाला कोई नहीं, वाह 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 बहुत अच्छे, खुद से रूठ के सो जाता हूँ बोझल दिल के साथ, बोझल दिल के साथ। वाह। और उनकी आंखों में ख्वाहिश के जुगनू देख के, वाह, उनकी आंखों में ख्वाहिश के जुगनू देख के मैं बच्चों को घर ले आता। वाह 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 जी वाह, बच्चों को क्या तस्वीर, घर ले आता हूँ, क्या महाकात है, क्या तस्वीर है, बोझल दिल के साथ। वाह। और कोई नहीं होता जो मेरे लिए दरवाजा खोले, कोई नहीं होता जो मेरे लिए दरवाजा खोले, रात गए जब घर आता हूँ बोझल दिल के साथ, जंजीर पड़ी दरवाजे में। वाह। रात गए जब घर आता हूँ बोझल दिल के साथ। वाह। और यार तबस्सुम यारों को इस रूप में देख के मैं, खुद शर्मिंदा हो जाता हूँ बोझल दिल के साथ, बोझल दिल के साथ। उसे तो मेरी कोई बात भी अच्छी नहीं लगती। सर ये गजल भी अगर आपको याद हो, अचानक तेरे आने की खुशी कुछ और होती है, मुझे बादे सबा की मुखबिरी अच्छी। इसके दो चार शेर मुझे याद है। नहीं है यूं कि मेरी, नहीं है यूं कि बस मेरी खुशी अच्छी नहीं लगती। वाह वाह। नहीं है यूं कि बस मेरी खुशी अच्छी नहीं लगती, उसे तो मेरी कोई बात भी अच्छी नहीं लगती। वाह वाह। उसे तो मेरी कोई बात भी अच्छी नहीं लगती, बस एक तर्ज़े रफ़ाकत है, हाय निभाते हैं जिसे, निभाते हैं जिसे वन। अच्छा। बस एक तर्ज़े रफ़ाकत है, निभाते हैं जिसे वन, बहुत से दोस्तों से दोस्ती अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं। वाह वाह वाह। और अचानक तेरे आने की खुशी कुछ और होती है। वाह वाह। अचानक तेरे आने की खुशी कुछ और होती है, मुझे बादे सबा की मुखबिरी अच्छी नहीं लगती। मुझे कराची के एक मुशायरे में हिमायत अली शायर मौजूद थे जी जी, उन्होंने जब ये मेरी गजल सुनी थी तो ये जो शेर था कि अचानक तेरे आने की खुशी कुछ और होती है, मुझे बादे सबा की मुखबिरी अच्छी नहीं लगती, तो उसने कहा
کہ میرے میں پورے اردو ادب کے مطالعے میں میں نے اس طرح کا شعر اس موضوع پہ شعر لکھا. بالکل سر بالکل. باد صبا کی مخبری تو سب کو اچھی لگتی ہے. مجھے باد صبا کی مخبری اچھی نہیں لگتی. تبسم یہ میرا ایمان ہے جب تک حریفوں کا قد و قامت نہ ہو تو دشمنی اچھی نہیں. قد و قامت نہ ہو تو دشمنی اچھی نہیں لگتی. اور تجھے ہنستے ہوئے دیکھا ہے یہ بہت پیارا ہے سب حوالوں. واہ جی واہ. تجھے ہنستے ہوئے دیکھا ہے میں نے سب حوالوں سے. سب حوالوں سے تیرے چہرے پہ یہ افسردگی اچھی نہیں لگتی. اچھی نہیں. واہ واہ. تیرے چہرے پہ یہ افسردگی اچھی نہیں. یہ کیا کہا؟ میرے گھر میں شجر نہیں لگتا. بالکل. یہ کیا کہا؟ میرے گھر میں شجر نہیں لگتے. شجر تو لگتے ہیں ان پر ثمر نہیں لگتے. شجر تو لگتے ہیں ان پر ثمر نہیں لگتے. ان پر ثمر نہیں لگتے. تیرے ہونٹوں کی جنبش پہن نہیں سکتے. جو تیرے ہونٹوں کی جنبش پہن نہیں سکتے مجھے وہ ہر ذرا معتبر نہیں لگتے. اور کسی کے قرب اتنا وقار تو بخشا کہ اپنے لہجے سے ہم بے ہنر نہیں لگتے. اپنے لہجے سے ہم بے ہنر نہیں لگتے. بہت اچھے سر. یہ سر آپ نے کبھی سیاست کی طرف اسٹوڈنٹ پالیٹکس یا اس طرح مختلف یونیورسٹیوں میں کالجز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. مجھے تو پتہ ہے کہ آپ نے ایک خاموش تماشائی کا کردار ادا کیا ملک کا جو سیاسی منظرنامہ ہے. لیکن کبھی آپ کے ذہن میں کوئی لیڈری کا شوق دل میں کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کے آپ نے کوئی کبھی الیکشن لڑا؟ ایکچولی میں نے مشاہدہ کیا تو لیڈرانہ ذہنیت کے پیچھے جو مفادات کی سیاست ہے کچھ اور چیزیں ہیں. میری طبیعت اس طرف نہیں آئی. یس سر. پر طبیعت ادھر نہیں آتی. پر طبیعت ادھر نہیں آتی. یس سر. تو جب میں یونیورسٹی میں بھی تھا تو میرے کمرے میں ایک میلہ لگا رہتا تھا پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن والے پختون والے جماعت والے کبھی کون ڈیموکریٹک والے سارے سارے سارے. لیکن کبھی کسی نے مجھ پہ یہ انگلی نہیں دھری. جی جی جی. میرے سارے دوست. یس سر. میرے سارے. یس سر. البتہ یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک ٹھڑک تو ہوتی ہے نا بندے میں. یس سر. ڈپارٹمنٹ میں کسی زمانے میں انجمن اردو کے نام سے ایک انجمن ہوتی تھی. اچھا سر. جس کا باقاعدہ پریزیڈنٹ ہوتا تھا. جی جی جی. سیکرٹری ہوتا تھا. دو کلاس ریپرزینٹیٹیو فائنل کے دو پریویس کے اور ان کی باقاعدہ ان کا باقاعدہ الیکشن ہوتا تھا. اچھا سر. تو اس زمانے میں میرے خیال ملا جلا کر 42 کے قریب اسٹوڈنٹ تھے پریویس اور فائنل کو ملا کر. الیکشن کا زمانہ آیا تو مجھے اتفاق ایسا تھا کہ 21 لڑکیاں تھیں اور 21 لڑکے. اچھا صاحب. بالکل. ہاں 21 لڑکیاں اور 21 لڑکے.